L-डैश। हमें तीन रेडिंग्स लेनी है, तीन रेडिंग्स के बाद उनका मीन लेना है और आगे आप आइए तो इसमें है करेक्टेड लेंथ। अब यहाँ पे करेक्टेड लेंथ के अंदर L इज इक्वल टू द L-डैश प्लस 0.96, वेयर 0.96 इज बेसिकली द एंड करेक्शन। अब जब और एंड करेक्शन की वैल्यू हमने पहले से मेजर करके नोट कर ली है, इसका प्रैक्टिकल से कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा हम आपको इसकी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हम बता रहे हैं आपको कि दरअसल ये 0.96 है और बेसिक फॉर्मूला इसका 0.3 मल्टीप्लाई बाई डी। डी इज़ द इंटरनल डायमीटर ऑफ द ट्यूब। ये हमने वर्नियर कैलिपर की मदद से इसका इंटरनल डायमीटर मालूम करके हमने आंसर लेकर आ गए। अब आगे आइए, आपके पास वी टी आपको निकालना है। वी टी का फॉर्मूला है 4LL और आगे फिर हमें वी नॉट फाइंड आउट करना है, वो हमें मीन से निकालना है। हमें फिर वी टी निकालना है। हमारे पास दो वी टी आ जाएंगे, दो ट्यूनिंग फॉक्स होंगी, दो वेलोसिटी ऑफ साउंड स्पीड ऑफ साउंड रूम टेम्परेचर पे होंगे, उनका मीन निकालेंगे और फिर हम उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हाउ कैन वी फाइंड आउट द कैलकुलेशन। हमने वी टी वन निकालना है, फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करना है 4LF1, फिर वी टी टू निकालना है 4LF2, फिर हमने उसका मीन लेना है वी टी बराबर वी टी वन प्लस वी टी टू अपॉन टू, फिर उसके बाद हमें वी नॉट निकालना है। तो हमें वी टी की जगह उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, माइनस करेंगे 61 को रूम टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट द स्पीड ऑफ साउंड एट 0°C। और फिर आपने मैं यहाँ पे आपने अपनी जिस निकल को लेकर जो आपको भी पढ़ाती है। नाउ स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ये एपरेटस कहलाता है रेजोनेंस ट्यूब एपरेटस। आप देख रहे हैं इसमें एक डब्बा लगा हुआ है और इस डब्बे के अंदर वाटर है और ये एक ट्यूब के ज़रिए ये इस वाली रेजोनेंस ट्यूब से कनेक्ट है। ये जब हम इसमें पानी डालते हैं तो इसके अंदर पानी आना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये थोड़ा सा पुराना हो गया, तो आप देखिए हमारे पास एक दूसरा एपरेटस जो कि अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं है, ये ट्यूब के ऊपर भी इसके ऊपर नंबर्स पड़े हुए हैं। हम जब भी जहाँ पे हमारी रीडिंग आएगी उसको हम उसी से मेजर कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास यहाँ पर स्केल है, ये थोड़ा सा छुपा हुआ है, देख रही हैं आप। जैसे ये आ जाएगा हम उस स्केल को इस तरीके से कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो हम इसको ऊपर से देखना शुरू करेंगे। ये आपके पास है, हमारे पास ये ट्यूनिंग फॉक है और इसकी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है इसकी 480। पहले हम 480 से काम करेंगे और इसको ये ट्यूनिंग फॉक का ये प्रॉन्ग्स कहलाता है। हम इसको हल्का सा इस पर स्ट्राइक करेंगे ऐसे करके और जब कान में लगाएंगे तो जो आवाज़ हमें आवाज़ सुनाई देगी, मैंने क्या कहा, मैंने इसको कैसे मेजर करना है, इसको हल्के से स्ट्राइक करना है और अपने कान में लगाना है। जो आवाज़ हमारी कान में सुनाई देगी वो आवाज़ जब हम इसको वाटर के ऊपर रखेंगे तो पूरे कमरे में सुनाई देगी। होता ये है कि जब इसकी वेव्स और वाटर वेव्स दोनों आपस में मैच कर जाती हैं तो साउंड विल बी प्रोड्यूस। इसको मैं नीचे कर रही हूँ अब थोड़ा सा, जैसे जैसे मैं इसको नीचे करूँगी अभी आपको आवाज़ सुनाई देगी, देखिए आवाज़ आना शुरू हो गई होगी। ये साउंड एकदम से गायब भी हो जाती है एक लम्हे के लिए, हमें इसको साउंड को देखना है। देखिए साउंड आई आपको, ये तकरीबन आ रही है, आवाज़ आ रही होगी, फिर मिस हो गई। बस वो एक पर्टिकुलर पॉइंट है, साउंड आई आपको, ये दिस इज़ द साउंड। अब आपने इस वक्त इसको मेजर करना है कि वाटर लगने जा रहे हैं, ये आपके पास ये 512 है और आपने इसको हल्का सा स्ट्राइक किया, देखिए साउंड आपको आवाज़ आ रही होगी, देखिए कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है, दिस इज़ द पॉइंट रीडिंग फॉर द 512। अच्छा, अब मैं आपको इसकी मेजरमेंट पोजीशन चेंज की, आवाज़ जो है वो तकरीबन गायब हो गई 3 times, अब बिल्कुल 0 हो गई। तो एक स्ट्राइक करना है और इसको रखने, देखा अभी भी आवाज़ नहीं आ रही है, तो एक ख़ास पॉइंट पर ही आवाज़ आएगी, देखिए आवाज़ आई कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है। बस जैसी ही आवाज़ आएगी हमने इसको नोट कर लेना है। 15, 512 to 17।